हाँ तुमके एक इनी कहानी सुनाओ साहू जो पूरी दुनिया रे लोगों री जिंदगी बदल दे लगी। ये कोई इनी कहानी नहीं आसती जो कस आदमी रे चाणी। ये कहानी ता पवित्र बाइबल कुआ जो सारे को महान परमेश्वर रो वचन। सिर्फ एका परमेश्वर और से सारे को महान परमेश्वर। सारे को महान परमेश्वर केजे भी आदमी को बोरी ताकति वालो हुआ आत्मा धर्म रे गुरु सरकार और त्यों देवा को भी ज्यादा ताकति वालो हुआ जसरी लोग पूजा करई। सब कुछ होने को पहले से शुरुआत आदि मौजूद हो। जे भी परमेश्वर है चीजें चाननी शुरू की तत्तीय सिर्फ बोलो हुआ और सारी चीजें बननी शुरू हुई गई। परमेश्वर धोत्री माथारी और स्वर्गारी सारी चीजें चाणी। तिणीए इन चीजें भी चाणी जो अमुके नई दिशती जिणों की स्वर्ग दूत जो स्वर्ग दी परमेश्वर री आराधना और सेवा करे। परमेश्वर सारो कुछ चाणो जो अमे देखी बोली सी सूरज जून तारे धोत्री और सारे पेड़ पौधे और जानवर। आखिरी दी परमेश्वर एक मोरद और छेवड़ी आपू जिने चाणे। जे भी तिणी सब कुछ चाणो तिणी बोलो ये सब कुछ बोरिया छो। परमेश्वर मोरद और छेवड़ी काले रोयना ले एक बढ़िया से बगीचो देव। हर दिन से ऐसा था सा था दियांडा थे त्यूर रिश्तो परमेश्वर आईले और एक ही दूजे आईले बड़वा छो थो। परमेश्वर त्यूले बगीचे री देखभाल करना ले और खुशी करिए रोयना ले बोलो। परमेश्वर त्यू ले खास हुकम देव तिणी बोलो तुम्हें इस बगीचे रे केजे भी पेड़ रो फल खाई सकई। सिर्फ एक पेड़ रो फल जो नहीं जान दो खाणो जो बगीचे रे बीचा दिया लगन दो। अगर तुम्हें तेस पेड़ रो फल खा ले तो तुम्हें मोराई। आदमी रो रिश्तो परमेश्वर और एक ही दूजे आईले बड़वा छो थो। परमेश्वर आमे एथी ले चाणे कि आमारो रिश्तो परमेश्वर और एक ही दूजे आईले इणी चाहूणो। मरदर छेवड़ी रो परमेश्वर और एक ही दूजे आईले बरिया छो रिश्तो थो। का तुमके से स्वर्गदूत यादी जो परमेश्वर चाणे थे त्यो मांझिया को एक स्वर्गदूत गमंडी थो। से परमेश्वर जीणो बोनो चाह थो और दूजे स्वर्गदूत को परमेश्वर री जागा आदि अपनी आराधना कराणो चाह थो। पर एका परमेश्वर जसरी आमु आराधना चाई करनी इथीले परमेश्वर से हुक्म नहीं मानने वालो स्वर्गदूत स्वर्ग को गाड़ी गो और आमे ते स्वर्गदूत ले शैतान बोली। परमेश्वर से सारे स्वर्गदूत भी स्वर्ग को गाड़ी गोए जो तेस पिछवांडा थे। से बुरी और दुष्ट आत्मा थी। एक ही दिन शैतान ने से छेवड़ी तेस पेड़ा रे फोड़ा खाना ले लोलसाई जेत खाना ले मनाथी करियंदी। तिणी तिया छेवड़ी को पूछो का परमेश्वर सची बोलो तुमले इणो कि इस बगीचे रे केजे भी पेड़ रो फल न खाए। तिया छेवड़िए बोलो नाई आमे केजे भी पेड़ रो फल खाई सकी। सिर्फ तेस पेड़ रे फल छाड़ियो जो बगीचे रे बीचा दिया लगन दो। अगर आमे तेस खाइले या छुईले तो आमे पूरु मरीसी। पर शैतान ने तिया ले बोलो तुम्हें नहीं मर दे बल्कि तुम्हें परमेश्वर जी ने बोनाई। छेवड़िए शैतान री भूष मानी और से फल खाइए रो। तिया अपने बोटे ले भी दो और तिणी भी खाओ। से जे दिन त्यों दुए वे पाप कियो। पाप ए हुआ कि जे भी हमें परमेश्वर हुक्म नहीं मानियो छोड़ी सी। परमेश्वर धर्मी और पवित्र तिणी अमूले सजा साई दे जे भी हमें तेसरे हुक्म नहीं मान दे। परमेश्वर मरद और छेवड़ी तेस बगीचा को बाहर गाड़ी गए और त्यूरो रिश्तो परमेश्वर आईले सदाले छुट्टी गो। तेस आदमी और छेवड़ी जीणो आमु सारे हुए पाप कियो
परमेश्वर आइले आमार रिश्तो चुटन दोआ और पापार नतीज नरका दी सदारी सजा आसा जेबी आमे मरिले आमे सदाले परमेश्वर आइले तिणी नाई जी सकदे जिणी आमे चाण देते का करिया आसा। बगत बीतदे बीतदे दत्री माथे आदमी बरी बड़ी गए हालांकि त्यों सारे हुए पाप कियो तबे भी परमेश्वर त्यों आइले बरी प्यार करा थो और त्यों आइले रिश्तो चाहनो चाह थो। परमेश्वर अपने एक सेवक करे जरिए लोग ले दस हुकम दे। याद करो कि परमेश्वर सिद्ध और पवित्र तो आमो भी सिद्ध और पवित्र जा सबनो तेसा ले जीवन ले। दस हुक्म में लोगों के सिखाओ कि परमेश्वर और लोग आइले ठीक तरीके करिए किनो जा सर रोनो। त्यों मांझिया को कुछ हुक्म थे दूजे देवारी भक्ति ना करनी और ना मूर्ति चाननी अपने माँ बाप री इज्जत करनी झूठ ना बोलनो चोरी ना करनी खून ना करनो दूजे उरी चीजों लालच नहीं करनो गंदे काम न करने। पर कोई भी यूं सारे हुक्म नहीं मानी बोलो। हर बार जे भी से पाप करा थे तब परमेश्वर त्यों के मौको दिया थो कि से अपने पाप माना और सजारी जागा आदि बड़ी छोड़ा हुआ और ये बड़ी एक सिद्ध जानवर रे खून बोईने को पूरी हुआ थी। जे भी से ये बलि चढ़ावा थे तब प्रार्थना करे थे कि परमेश्वर त्यूरे पाप माफ कर लो और से उस जानवर त्यूरी जगह दी मरत हो। सिर्फ खून बोने को आदमी रे पाप माफ करिए पर जिनो जिनो भगत बीतते लगो तो लोग जीवा करिए अपने पापा को दुखी नहीं हुआ थे त्यूरी बलि खाली रीति रिवाज बनी गए। परमेश्वर बोलो बस बरी हुई गए ये खाली रीति रिवाज नियम मानने और बलि चढ़ाने को लोगों के जानु ही गो थो किसे अपनी कोशिश करी परमेश्वर का वापिस नहीं आसी सकते का करी आसा। परमेश्वर तेबे भी दुनिया रे लोग आइले बड़ी प्यार करत हो एथीले परमेश्वर बिल्कुल ठीक बोक्ता दी यीशु लोगों के इन्हें देखाने ले भेजो कि से अपना रिश्तो परमेश्वर आइले दूजी बारे किनो चाणी सके। यीशु कुणा यीशु परमेश्वर रो एकलो तो छोर हुआ यीशु एक नोखो गुरु थो लोगों के ईश्वरी भूषे सुननी बड़ी अच्छी लगा थी कहले कि तिणीए त्यों कैसी खाओ कि परमेश्वर का वापिस किण करी आसी सक। यीशु एक शक्ति वाले नोखे काम करने वालों भी थो। एक ही दिन बरी लोग ईश्वरी शिक्षा पूरे दिन अधि सुन ले आशे कहले कि लोग भूखे थे तबे यीशु पांच रोटी और दुई मछली और प्रार्थना करियो लोगों के बांटी से जे दिन पांच हजार को ज्यादा लोग पेट भरियो रोटी खाई। ईश्वरी ताकत हमारी जरूरत पूरी कर सका। अज एक ही बारे यीशु अपने चेले आइले किश्ती बड़ी जिला दी डेओ जे भी यीशु किश्ती सुतंदो थो ते भी बड़ी तूफान आशो यीशु रे चेले हुए यीशु उठाओ और बोलो ओ गुरुजी आमे मरने वाले ही। यीशु उठो और तूफान और पानी रे छाले ले बोलो चुटुक थक शांत रहो। बागुर और पानी एकदम रुकी गए। यीशु री ताकत ये दुनियारी ताकती को बड़ी है।
जे भी यीशु जिला पारवी ले पहुंचो तत्यों के एक इनो पागल आदमी मिलो जुन तियरो अथो जिये लोगरो क्रियाक्रम करे तेस्ती बड़ी ज्यादा बुरी आत्मा थी और से बड़ी खतरनाक थो। जे भी यीशु तेस को मिलो तो यीशु तेस को भी प्यार कियो। यीशु बुरी आत्मा आयले बुशेलाई और बोलो इस पुर छड़ से बुरी आत्मा तेस आदमी को ते भी बाहर निकली गई। से आदमी होशवासी दी आशो और बिल्कुल ठीक हुई गो। ईश्वरी ताकत सारी बुरी आत्मा को बड़ी है। अजो एक ही दिन इण हुओ ईश्वर एक खास गोष्ठण बीमार थो और से वो मरी गो थो। कुछ दिन बस ये ईशु तीयशो जिये तेसरे गोष्ठण री कबर थी। जेब यीशु देखो कि तेसरो गोष्ठण किए थो दाबंदो तसे उलेरो यीशु तेसरी कब्र काय डेओ और तेसले बोलो गोष्ठण बाहरे आश। तेसरो गोष्ठण तेबी कब्र को जीवंदो बाहरे आशो। यीशु री ताकत मौत को भी बड़ी है। यीशु ये सारी चीजें करी कहले कि से आमो आइले प्यार करा सा। से चाह सा कि आमे सारे परमेश्वर काय वापिस आश। यीशु परमेश्वर रो छोर थो और नोखो गुरु थो और शक्ति वाले नोखे काम करने वाला थो। जेती भी आदमी दोत्री माथे जिये ही त्यों मांझा को यीशु ही इनो थो जुनिये पाप नहीं कियो। सिर्फ सेव ही इनो थो जो पापरी सजारे लायक नहीं थो। बड़ी लोग यीशु को प्यार करते थे पर कुछ दौर मारे गुरु यीशु को नफरत करते थे। त्यों से पकड़ाओ और अदालती दिनियो तेसले मरने सजा देने रो फैसलो कियो। त्यों यीशु बड़े क्रूसा दी चढ़ाओ। त्यों तेसरे हाथ बांगने दी प्रेगे लाइयो क्रूसा दी टांगो। जिनी यीशु क्रूसा माथे टांगो तिनी यीशु रो कीमती खून जमीन माथे पड़दे लागो। तिणीए जोरे चिल्लाइयो बोलो खत्म हुई गो। यीशु सिद्ध और आखिरी बड़ी बणो। परमेश्वर आमु आइले प्यार करा आसा तिणीए यीशु आमारी जगह दी मरने देओ। यीशु आमारे पापारी सजा आपू माथे नी। सिर्फ यीशु रे खून बहने को आमारे पाप माफ हुआई। कुणीए आमारे पापारी कीमत देनी पड़ी है। से जे दिने यीशु रे मरने बासिए ईश्वर गोष्ठण हुए तेसरी लाश चुंगियो सही सलामत कब्रा दी छाड़ी। पर यह कहानी इधे खत्म नहीं होंदी। इथरे चीजे दिने यीशु मरे होंदे मांझिया को जीवंदो हुओ और बरी दिन जाऊं लोगों के दिशो किसे उदूजी बारे जीवंदो हुई गो। तिणीए साबित कियो कि से परमेश्वर रो छोर हुआ। तेतवासी से अपने परमेश्वर काय स्वर्ग ले डेगो। यीशु आमारी सजा आपू माथे नी और आबे आम के एक बाट दे गई जेत करी आमे परमेश्वर काय वापिस आशी बोली। सिर्फ यीशु ही आम के परमेश्वर काय वापिस देवने री बाट देखाई सका। जब यीशु दत्री माथे थो तेबी तिणीए एक कहानी सुनाई। एक ही बारे एक जवान छोर हुए अपने बाबा ले बोलो धन जायदाद मांझिए को जो मेरो हिस्सो है तेस मुके देओ। से जवान धन जायदाद करिए दूर देशा ले डेगो और तिणीए अपनी सारी जायदाद गलत काम दी खर्च करी गई। जेबी तेसरी सारी धन जायदाद खत्म हुई गई तसे वो सारे को नीच मजदूरी कर दे लागो सुंगरु चार दे। एक ही दिन ऐसे वो होशीबाशी दिया शो और सुन से दे लागो कि मेरे बाबा कितरे मजदूरी जो पेट बोरियो रोटी खाई और आऊं इधर भूखो मर दे लागो।
आवे आऊ अपने बाबा का वापिस दियाऊ और बोलाऊ, ओ बाब मुझे स्वर्ग रे और तुम्हारे विरोध दी पाप कियो आऊ अबे तुम्हारो छोर बोलने रे लायक नहीं अस्तो छोटी तुम्हें मुँह एक मजदूर जीणो आप कह छाड़ो। तसे उठो और अपने बाबा भी ले चल पड़ो। पर जे भी से छोर दूरी थो तो तेसरे बाबे से देखो और तेसरो जीव दया करी बरुगो से अपने छोर भी ले दूड़ो और तेसकु गले मिलो और से बरी खूबी आओ। छोर वे अपने बाबा ले बोलो, ओ बाब मुई स्वर्ग रे और तुम्हारे खिलाफ पाप कियो हाँ अबे तुम्हारे छोर बोलने रे लायक नहीं अस्तो। पर बाबे अपने नुकरू ले बोलो, फेटी अच्छे को अच्छे जुड़ के आनो और इसके बिड़ाओ और इसरी ओंठी दी कंगन लाओ और इसरे बांगने दी लाओ चपली आशो आमे बड़ी धाम करी और खुशी मनाई कहले कि मेरो एव छोर अचंद थो अबे मिली गोवा। आमे सारे भी ए छोर बसिए थे आमु सारे वे पाप कियो और अपने बाप परमेश्वर को दूर हुई गए थे पर ए छोर जीणो आमे परमेश्वर का वापिस आशी बोली सी आमु अपने पापा ले माफी चाही मांगनी और परमेश्वर का वापिस चाही आशनो तीन जिंदगी पाईना ले जो से उचा सकी तेसरे लोलडे के ओणी चाही। ईश्वर बोलो, बाट सच्चाई और जिंदगी हाऊ बिन मुइये कोई भी बाबा काए नहीं पहुंची बोल दो। का तुम्हें चाई कि ईशु तुम परमेश्वर काए वापिस नहीं है। सिर्फ ईशु ही आमू परमेश्वर काय वापिस नहीं बोला सा परमेश्वर काय वापिस देवना ले तुम्हें इनो मानणो जा कि तुम्हें परमेश्वर के खिलाफ पाप कियो तुम्हें इनो विश्वास जा सा करनो कि ईशु तुम्हारी खातिर मरो और तुम्हारी सारी सजा आप माथे नहीं है और परमेश्वर को तुम माफ करना ले बोला तुम्हें ईशु माथे विश्वास जा सा करनो कि से तुम वापिस आना सा और परमेश्वर रे लोलडे ओणे रे नाते तुमले सदारी जिंदगी दिया आसा तेबी एक तुम्हें अपने नए मालिक रे रूपा दी ईश्वरी आज्ञा चाई माननी। बाइबल दी इणो वा लिखो दो, परमेश्वर दुनिया रे लोगों को इणो प्यार कियो कि तिणी अपनो एकलौतो छोर अमारी ताई दे ताकि जुन भी तेस माथे विश्वास करा लो से नाश नहीं चाहिए बल्कि सदारी जिंदगी पा लो। तुम्हें परमेश्वर काय आशीष कही जीणो तिणी जवान छोर कियो से अपने बाबा काय इने बोलियो वापिस आशो, ओ परमेश्वर आऊँ जानाऊ कि तुम्हें मुँह आइले प्यार कराई मुये तुम्हारे खिलाफ पाप कियो और आऊँ माफी मांगाऊ आऊँ ईशु माथे विश्वास कराऊ कि तिहुए अपनी बोली दे मेरे सारे पापरी सजा आप माथे नहीं हुई परमेश्वर छोटी मुले माफी दे आऊँ खुशी करिए मानाऊ कि ईशु मेरो मालिका और आऊँ तेसरी आज्ञा इबी को सदा ले मानाऊ तुम्हारी संतान बनने रे रूपा दी मेरी नई और सदारी जिंदगी ले तुम्हारा धन्यवाद। कहले न तुम्हें इबी और एजे बोक्ते तेसले अटाइयो अगर तुम्हें सच्ची परमेश्वर ले अटाइया ले तो तुम्हें सदा ले परमेश्वर रे लोलडे बनाई। परमेश्वर चाहसा कि तुम्हें ओरी के भी बोलो कि तुम्हें परमेश्वर लोड़े ही परमेश्वर री योजना सिर्फ तुम्हें पुकाए वापिस आने री नहीं बल्कि तुम्हारे टब्बर और तुम्हारे यार दोस्त भी तुम्हारे जरिए आनो चाहसा ताकि तिहरो रिश्तों परमेश्वर आइले और एक ही दूजे आइले दूजी बारे बोनी सके। तुम्हें कस जानाई जासके ये कहानी सुनावनी जरूरी है।